हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। अगर आप हमेशा की भिंडी की सब्जी और भिंडी फ्राई खा के बोर हो गए हो तो ट्राई कीजिए आज की रेसिपी भिंडी दो प्याज़ा। ये बहुत ही कम मसालों के साथ और बस 15 से 20 मिनट में बन जाती है। ऐसी ही क्विक एंड इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करें इसे बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है। इसे अच्छे से धो के सुखा के इस तरह से हमने तिरछा काट लिया है, करीबन आधा इंच के टुकड़ों में। तिरछा काटने से भिंडी अंदर तक अच्छे से दिखाई देती है और हम इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई कीड़ा है या नहीं। एक बड़ा प्याज हमने लिया है बारीक कटा हुआ। इसके जगह आप प्याज की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एक टमाटर बारीक काट के लिया है। एक बड़ा प्याज हमने डाइस करके लिया है इस तरह से, और एक टमाटर डाइस करके लिया है। इसी के साथ एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। तो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले हम भिंडी को हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक चम्मच तेल डाल देंगे कढ़ाई में। इसमें अब हम भिंडी को डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे हल्का फ्राई कर लेंगे जब तक भिंडी कलर चेंज नहीं कर लेती। भिंडी फ्राई करने से ये जल्दी पक जाती है और स्टिकी नहीं बनती है, तार नहीं छोड़ती है। और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो भिंडी अच्छी खिली खिली बन जाती है। ये भिंडी अब अच्छी फ्राई हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और जो प्याज हमने डाइस कर लिया है उसे पैन में डाल देंगे और हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हल्का फ्राई कर लेना है। ये प्याज भी अब हल्का गुलाबी हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये सब्जियाँ हमारी फ्राई हो गई है। अब हम ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ हम सेम कढ़ाई में ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ हम 2 से 3 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ ही 2 लाल मिर्च को 2 हिस्सों में तोड़ के डाल देंगे। जब ये जीरा हल्का क्रैकल हो जाए इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज अब हल्का सुनहरा हो गया है तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इसे भी साथ में भून लेंगे। ये प्याज अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और पक गया है तो हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा टमाटर डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे भिंडी की क्वांटिटी को देखकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी छोड़ दे। करीबन 2 मिनट हो गया है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ ये टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें भिंडी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें टमाटर की जगह टमाटर की पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा पानी डाल के भी ग्रेवी बना सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये सब्जी बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही कम समय में बन जाती है और टेस्ट में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं भिंडी के साथ, तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से आ जाए। यहाँ करीबन 2 मिनट हो गए हैं तो एक बार भिंडी को चेक कर लेते हैं। ये भिंडी अच्छे से पक गई है तो हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे और साथ ही डाइस किया हुआ टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। इसमें हम करीबन 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे हाथ से क्रश करके, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी अब बनकर तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे। आप इस स्पाइसी और टेस्टी भिंडी दो प्याज़ा को चपाती या पराठे के साथ सर्व करें और इसके फ्लेवर्स को इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपके रिव्यूज़ एंड सजेशंस हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।